नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। जय श्री ओम बन्नासा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ओम बन्नासा का असली धाम कहां पर है, उन्होंने अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग किस स्थान पर किया था। तो आजकल कुछ लोग मानते हैं कि श्रीनिवास धाम ओम बन्ना धाम है, यही ओम बन्ना का असली धाम है। श्रीनिवास धाम में लाखों की संख्या में लोग पहुँच रहे हैं अपनी बीमारी का झाड़े के द्वारा इलाज करवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भगत सत्यनारायण जी झाड़ा लगाते हैं। वह झाड़ा तो पंच तत्वों के नाम का लगाते हैं, पूजा ओम बन्नासा की करते हैं और बजरंग बली का भी मंदिर है श्रीनिवास में। तो वहाँ पर झाड़े से लोगों को शायद आराम भी मिलता है, तभी तो लोग बार बार वहाँ पर पहुँचते हैं। तो सप्ताह में लगभग सोमवार से शनिवार तक झाड़ा लगता है श्रीनिवास में, सुबह और शाम दोनों टाइम लोग काफ़ी संख्या में वहाँ पर पहुँचते हैं। तो श्रीनिवास धाम ओम बन्नासा का धाम असली धाम नहीं है। ओम बन्ना का असली धाम है चोटिला, जो राजस्थान में पाली जिले में पड़ता है। 1988 की बात है, जब ओम बन्ना रात के समय अपने गाँव की तरफ लौट रहे थे तो उनकी बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें उनका पंचभौतिक शरीर यह नश्वर शरीर छूट गया। और सुबह जब थाने वाले उनकी बाइक को थाने में ले गए और जब पुलिस वालों ने सुबह देखा तो वह हैरान रह गए, बाइक थाने में नहीं है। जब उन्हें पता चला कि घटनास्थल पर बाइक खड़ी है तो पुलिस वाले हैरान हो गए और उस बाइक को पुनः थाने में लाकर खड़ा कर दिया। और दूसरे दिन भी यही घटना घटी और बाइक अपने आप स्टार्ट होकर उसी धाम पर जो ओम बन्नासा का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पर जाकर खड़ी हो गई। पुलिस वालों को जब यह पता चला तो उन्होंने शायद ओम बन्ना की मर्जी को समझा और उस बाइक को वहीं पर गांव वालों के साथ मिलकर स्थापित करवा दिया। आज वह धाम बहुत ही पॉपुलर धाम है, वहाँ पर भी बहुत लोग आते हैं और लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। ओम बन्ना का नाम है ठाकुर ओम सिंह जी राठौड़, लोग उन्हें ओम बन्नासा के नाम से पूजते हैं। तो शायद भगवान की यही मर्जी थी कि उनका देह का गमन ऐसे होना था और उन्हें देव स्वरूप होना था और शायद लोगों के कष्टों को ऐसे ही दूर करना था। ओम बन्ना के पिता का नाम ठाकुर जोग सिंह जी राठौड़ और उनकी माता का नाम स्वरूप कंवर था और उनके बेटे का नाम है महापराक्रम सिंह। तो आपको ये वीडियो, आपको यह जानकारी कैसी लगी, क्या आपको पहले पता था, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।